हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और साइंस सीरीज की 21 नंबर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 21 नंबर की क्लास में हम देखने वाले हैं विटामिन को। इससे विटामिन से जुड़े हुए यदि अभी तक आपने अन्य पार्टों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो प्लेलिस्ट के लिंक को विजिट करके आप सभी वीडियोज को क्रम दर क्रम देखें, जिससे कि इस विटामिन की जुड़ी हुई बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और दोस्तों, टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उस पीडीएफ के लिंक के द्वारा सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप एक ही पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। और सामान्य विज्ञान के उन नोट्सों में बेहतरीन क्वेश्चनों का इकट्ठा किया गया आपको मटेरियल दिया गया है, तो आप एक बार उस पीडीएफ को प्राप्त करें। उस पीडीएफ में जो मॉडरेट क्वेश्चन है, उन मॉडरेट क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है, जिससे कि आपको मालूम हो सके कि इस समय परीक्षाओं में किस प्रकार से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। जैसा हम यहां से देख भी रहे होंगे कि आज हम विटामिन के तीसरे पार्ट को यहां से डिस्कस करने वाले हैं। इस विटामिन से जुड़े हुए दो पार्टों को हमने पूरा कर चुके हैं। अभी तक आपने उन पार्टों को नहीं देखा है तो आप एक बार उन पार्टों को भी देखें। प्लेलिस्ट में जाके हमने सभी वीडियोस को क्रम दर क्रम लगा रखा है, तो आप एक बार सभी वीडियोस को देखते आइए, जिससे कि इसकी जुड़ाव की चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। चलिए, तो इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 51 है। 50 क्वेश्चनों को हमने पहले डिस्कस किया है। जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए जो स्टूडेंट होंगे वो तो इस बात को जानते होंगे कि हमने 50 क्वेश्चनों को पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उन 50 क्वेश्चनों को पहले एक बार देखें, जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए, तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाती है, तो बच्चे होते हैं उन बच्चों की अस्थियां या हड्डियां मुड़ जाती हैं यदि किसकी कमी हो जाए शरीर में। ये देखो, यहां से SSC में 2009 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, मैंने आपको बता रखा है कि जो विटामिन डी होता है, इस विटामिन डी की कमी से दो रोग देखने को मिलते हैं। एक तो रोग होता है कौन सा, रिकेट्स। कौन सा होता है, रिकेट्स रोग होता है। और जो दूसरा जो रोग होता है ना, उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। और रिकेट जो रोग होता है ना, वो तो होता है किसमें, बच्चों में होता है। किसमें होता है, बच्चों में। और मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो जो पोरोसिस जो रोग होता है, वो होता है वयस्क यानी कि बड़ों में होता है, बड़ों में देखने को मिलता है। अब देखो, रिकेट्स रोग में क्या होता है, जब बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो जो विटामिन डी होता है ये मनुष्य के शरीर में कार्य करता है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का। किसको बढ़ाने का काम करता है, कैल्शियम को बढ़ाने का अवशोषण करता, कैल्शियम को बढ़ाने का कार्य करता है। जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और ये जो कैल्शियम होता है ये कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। आपको कहीं परीक्षा में ऐसे पूछा जाए कि हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है कौन, कैल्शियम प्रदान करता है। जैसे यदि किसी मनुष्य में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो उसकी हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। यदि बच्चा है तो उस बच्चे का जो फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाने वाली शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो फीमर में मजबूती कम होगी, जिससे वो शरीर का वहन नहीं ढो पाती है, जिससे कि उसमें नोकनी रोग देखने को मिलता है। यानी कि जो उसकी फीमर जो होती है वो धनुषाकार होने लग जाती है, जिसे हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं। तो यहां से इसकी जुड़ी हुई बातों को आप जान ही पाए होंगे कि बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किसकी कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए। लेकिन विटामिन ए की कमी कब होती है, जब हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, रतुंदी रोग होता है, जिसे हम रात्रि अंधापन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी वन की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी। कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है। और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं जनन शक्ति कम होना, जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन जो ई होता है, इस ई विटामिन को सौंदर्य युक्त विटामिन भी कहा जाता है। चलिए, तो ऐसे ही प्यारे ही क्वेश्चनों को और मॉडरेट क्वेश्चनों को मैं आपको आगामी टॉपिकों में भी डिस्कस करवाने वाला हूं।
सभी टॉपिकों में आप मेरे साथ रात 10 बजे बने रहिएगा, जिससे कि टॉपिक से आपको यह पता चल सके कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इस दौर में किस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सभी के बारे में आपका ब्यौरा लेने के लिए आप प्रत्येक रात आप मेरे साथ 10 बजे बने रहिएगा, और आगामी आने वाले दिनों में भी मैं आपको इसी प्रकार सभी टॉपिकों को ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। तो आप मेरे साथ रोजाना जुड़िएगा और अपने यार दोस्त को भी यहां से जोड़िएगा। और दोस्तों, टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। इस पीडीएफ के लिंक के द्वारा भी सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को, जो हमने टॉपिक टू टॉपिक अरेंज कर रखे हैं, उन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। इसके पीछे वाला क्वेश्चन को चलिएगा तो आपको मैं दोबारा से दिखाता हूं। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किस विटामिन की कमी से। लेकिन अब देखो, यहां क्वेश्चन पूछा कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में हमें परोसता है और हम उसको गलत करके आते हैं। तो आज के बाद विटामिन से रिलेटिव यदि आपको कहीं क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं हो सके। तो देखो, ये सीपीओ की एग्जाम में या 2006 में पूछा था, क्वेश्चन पूछने का ही तरीका था अलग। बाकी तो हम इस बात को जान ही चुके हैं कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। चलिए तो ऑप्शन वाइज भी हम पढ़ते हैं। यहाँ बेरी बेरी जो रोग होता है ना, वो विटामिन किसकी कमी से होता है, B1 की कमी से या विटामिन बी की कमी से होता है। पेलाग्रा जो रोग होता है ना, वो विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। और रिकेट्स के बारे में हम जान ही चुके हैं कि रिकेट जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो रोग होता है, यह स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज होती है। तो आप यहां से सही जवाब हमारा कौन सा बताते, सी हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए तो अगला प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है हमारा, कि गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत होता है। जो गाजर होती है, ये गाजर किस विटामिन का सर्वोत्तम मात्रा में पाए जाने वाले विटामिन का स्रोत होता है। तो जो गाजर होती है, इसे गाजर का जो रंग होता है ना, वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और जैसे ही हम इसको खाते हैं गाजर को, तो ये बीटा कैरोटीन कहां पहुंचता है, ये हमारे लीवर के पास पहुंचता है। इसके पास पहुंचता है, लीवर के पास पहुंचता है। और ये लीवर इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। यानी कि हम जो गाजर होती है, इस गाजर से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है, विटामिन ए प्राप्त होता है। और यहां से क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का पूर्ववर्ती क्या होता है, यानी कि ये बन किससे रहा है। तो बन किससे रहा है, बीटा कैरोटीन से बन रहा है। इस कारण विटामिन ए का पूर्ववर्ती कहते हैं बीटा कैरोटीन को कहते हैं। किसको कहते हैं, बीटा कैरोटीन को कहते हैं। यहां से आप जान ही पाए होंगे। तो हमारा यहां से सही जवाब होता कि गाजर का जो उत्तम स्रोत होता है वो कौन होता है, विटामिन ए होता है। यहां से सही जवाब होता हमारा 53 का ए, यहां से सही जवाब होता। और जो विटामिन ए होता है, ये ए हमारी दृष्टि को बरकरार रखता है, यानी कि हमारी आंखों के लिए उपयोगी होता है। और आंखों में कौन सा रोग पैदा करता है, ये यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से होने वाली आंखों में जो डिजीज होती है वो होती है रतौंधी रोग। और रतौंधी जो रोग होता है ना, इसको रात्रि अंधापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रात्रि अंधापन भी कहते हैं, रात्रि अंधापन भी कहते हैं। चलिए तो आप इससे जुड़ी हुई चीजों को आप जान ही पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों यानी कि हरी सब्जियों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जो पालक होता है या जो हरी सब्जियां होती हैं, इनमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। क्या लोहा होता है, क्या कॉपर होता है, या कैल्शियम होता है, या फिर फास्फोरस होता है, ये हमें यहां से बताना था। तो देखो, जो पालक होता है, इस पालक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है लोहा, जिसे हम कहते हैं आयरन, या जिसको हम लिखते हैं किससे, एफ ही से लिखते हैं। यहां लोहा लिखा आ सकता है और यहां लिखा हुआ आ सकता है आयरन। क्या लिखा हुआ आ सकता है, आयरन लिखा हुआ मिल सकता है आपको ऑप्शन में। तो आप यहां से 54 का सही जवाब हमारा क्या होता है, यहां से ए हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त कोड यकृत तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत होता है, यानी कि जो मछली का जो कोड तेल यानी कि जो लीवर का जो तेल होता है, इस लीवर के तेल के बारे में हमें यहां से पूछा था कि इसमें कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। ये देखो राजस्थान पुलिस 2018 में यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि यकृत का तेल, किसके यकृत का तेल, मछली के यकृत का जो तेल होता है इसमें कौन से विटामिन की मात्रा पाई जाती है। तो जो मछली का जो यकृत का जो तेल होता है ना, इस मछली के यकृत के तेल में दो विटामिनों का समृद्ध स्रोत होता है, दो विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक तो कौन सा होता है, विटामिन ए, और एक होता है विटामिन कौन सा, विटामिन डी। एक तो ए विटामिन पाया जाता है और एक विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन देखो या तो आपको ऑप्शन में दोनों एक साथ मिलेंगे किसी ना किसी ऑप्शन में, या आपको यदि अलग अलग ऑप्शन में भी यदि दोनों एक साथ भी मिले ना, तो विटामिन जो डी होता है, इस डी में, यह डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मछली की यकृत के तेल में, किसके बजाय, ए के बजाय। और दोनों यदि अलग अलग ऑप्शन में मिले तो हमारा सही जवाब होगा डी, और यदि दोनों ही मान लो चार ऑप्शनों में दोनों में से कोई एक है तो हमारा दोनों में से कोई एक सही जवाब होगा, या दोनों में से कोई आपके पास ऐसा भी ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपके पास दोनों होंगे कि ए और डी विटामिन मछली की यकृत के तेल में पाए जाते हैं, तो वो हमारा सही जवाब होगा। तो मछली की यकृत के तेल में दोनों ही विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है, विटामिन होता है हमारा कौन सा, डी होता है, जिसे कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। और विटामिन जो डी होता है ये सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है, इसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है। और विटामिन डी हमारे शरीर में सर्वाधिक तीव्र गति से बनने वाला विटामिन होता है, और ये जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणें त्वचा के संपर्क में आती हैं वैसे ही विटामिन डी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता, अब देखो ए तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो हमारे पास डी ऑप्शन है, तो अब हमारा सही जवाब होता डी होता। यहां से 55 का सही जवाब होता बी ऑप्शन, कि विटामिन जो डी होता है वो मछली की यकृत के तेल में सर्वाधिक पाया जाता है। यहां से आप सही जवाब जान ही पाए होंगे। और जो विटामिन सी होता है, ये विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, तो आप यहां से जान पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, थायमिन की कमी होती है, थायमिन की जो कमी होती है ना वो क्या होती है, यानी कि उसकी कमी से कौन सा रोग मनुष्य के शरीर में देखने को मिलता है, उसके बारे में हमें यहां से बताना था। तो क्या बेरीबेरी होता है, क्या रिकेट्स होता है, या पेलाग्रा होता है, या स्कर्वी होता है। यदि आप मेरे साथ विटामिन के सभी लेक्चरों में शुरू से बने हुए थे और तो आप इन सभी चीजों को भी जान पाए होंगे कि कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से हमें देखने को मिलता है। तो चलिए तो दोबारा से डिस्कस करते हैं। यहां जो बेरीबेरी होता है, ये बेरीबेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, पेलाग्रा रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है, और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से देखने को मिलता है। लेकिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है, दोस्तों आपको जानकारी होगी यहां से कि कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है, क्योंकि मैंने पीछे के लेक्चरों में आपको याद भी करवाया था और आपको नोटबुक में नोट भी करवाया था इस चीज को कि सभी विटामिनों का आप रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोगों का आप अवश्य पता रखें, क्योंकि परीक्षाओं में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो वो आपके सही हो सके। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हो गई वहां से आपको पक्का यहां से विटामिन के टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि विटामिन के टॉपिक से हर साल सभी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगामी जिस भी एग्जाम में आप बैठने वाले हो वहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को आप प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां एक पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उस पीडीएफ के लिंक के सारे सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप टॉपिक टू टॉपिक प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें सभी मॉडरेट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। जैसा आप देख ही पा रहे हैं कि एसएससी 2020 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था 10वें महीने में, तो आप इसका सही जवाब बताते कौन सा। यहां से हमारा सही जवाब होता थायमिन। अब देखो आप यदि रासायनिक नाम जानते हैं तो आप यहां से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कौन से का क्या रासायनिक नाम होता है। चलिए मैं यहां से बताता हूं आपको, जो बी1 होता है, इस बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। डी का जो रासायनिक नाम होता है ना वो होता है कैल्सिफेरॉल, क्या होता है,
कैल्सीफेरोल होता है, और जो विटामिन B3 होता है, इस B3 का रासायनिक नाम होता है नियासीन। इसका रासायनिक नाम होता है क्या? नियासीन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। तो आप इन चारों के बारे में आप जान पाए होंगे कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहां हमें पूछा था किसके बारे में? थायमिन्स के बारे में पूछा था। तो थायमिन के बारे में बताते कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है, तो कौन सा देखने को मिलता है? बेरीबेरी रोग देखने को मिलता है। जो यहाँ खाली स्थान था वहां हम भर सकते थे बेरीबेरी। तो हमारा सही जवाब होता यहां से, ये हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सर्वप्रथम नमक से अभिक्रिया करता है? यहां से क्वेश्चन को आप सही से पढ़ना। सर्वप्रथम नमक से क्रिया कौन सा कौन करता है? ऐसा कौन सा विटामिन होता है वो सर्वप्रथम नमक से क्रिया करता है? देखो डायरेक्टली आप यहां से पता रखेंगे, जो विटामिन जो सी होता है, ये विटामिन सी नमक से सर्वप्रथम क्रिया करता है। इसे नमक से सर्वप्रथम क्रिया करता है। तो सही जवाब होता 57 का सी, हमारा यहां से सही जवाब होता। सभी क्वेश्चनों को आप, सभी क्वेश्चनों पर अपना टाइम दें और सभी क्वेश्चनों को आप स्किप ना करके सभी क्वेश्चनों पे बने रहें, जिससे कि सभी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। चलिए तो 58 नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त विटामिन कौन से होते हैं? हमारे पास जो चार ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शनों में हमें बताना था कि ऐसा कौन सा समूह है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो चलिए तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स में छापें इस बात को कि कौन सा ऐसा विटामिन का जोड़ा यहां लिखा हुआ है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा यहां से पाई जाती है, ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं। चलिए तो फटाक से बताएं। देखें तो देखो, विटामिन जो B3 और जो B6 होता है, ये इस B3 और B6 में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाने के कारण इन्हें नाइट्रोजन युक्त विटामिन भी कहते हैं। तो आप यहां से जान पाए होंगे 58 का कि कौन से विटामिन नाइट्रोजन युक्त होते हैं। एक तो होता है B3 और एक होता है कौन सा? B6 होता है। और B3 की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है? B3 की कमी से रोग देखने को मिलता है कौन सा? पेलाग्रा। कौन सा देखने को मिलता है? पेलाग्रा। जबकि B6 की कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं एनीमिया। कौन सा रोग कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो हमारा यदि इनसे रिलेटिव यदि कोई क्वेश्चन यदि देखने को मिले कि B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम बता सकते हैं पेलाग्रा और B6 की कमी से एनीमिया रोग देखने को मिलता है। और इन दोनों ही विटामिनों में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाने के कारण ये दोनों विटामिन नाइट्रोजन युक्त विटामिन भी कहलाते हैं। तो सही जवाब हमारा यहां से ए होता 58 का। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन का संश्लेषण होता है? SSC में 2019 में यहां से क्वेश्चन देखने को मिला था। बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आप सभी लेक्चरों में मेरे साथ बने हुए होंगे तो आप 2 ही सेकंड में इस क्वेश्चन का सही जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में छाप पा रहे होंगे। फटाक से देखिए, बताइएगा आप कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है या कौन सा विटामिन बनता है। आप जान ही पाते होंगे, बहुत बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ चुके हैं कि विटामिन जो डी होता है वो हमें कहां से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से होता है। कहां से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और इसी के साथ जो सूर्य का प्रकाश जैसे ही हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो हमारी त्वचा पे विटामिन डी का संश्लेषण होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी त्वचा पे क्या पाए जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल। या क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल की सहायता से अब हमारी जो त्वचा होती है, इस त्वचा पे कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन डी का संश्लेषण देखने को मिलता है। तो हमारा यहां से सही जवाब होता 59 का कि विटामिन जो डी होता है, ये विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। चलिए तो, और एक बात और याद रखें, जो विटामिन डी होता है, ये विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनता है। सबसे तीव्र गति से बनने वाला जो विटामिन होता है वो विटामिन डी होता है, क्योंकि जैसे ही सूर्य का प्रकाश त्वचा की संपर्क में आता है तो त्वचा पे पाई जाने वाली जो कोलेस्ट्रॉल होती है उसकी सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण होना स्टार्ट होता है। तो यहां से हमारा सही जवाब तो कौन सा होता? यहां से सही जवाब होता हमारा क्या? ए यहां से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लोहा युक्त विटामिन कौन सा होता है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। अब देखो, आपने यदि मेरे साथ पीछे के लेक्चर में सफर किया होगा तो आप जानते होंगे कि जो एनीमिया जो डिजीज होती है, एनीमिया, इस एनीमिया को कहते हैं हम रक्त की कमी होना, रक्त की कमी होना, या हम इसको कह सकते हैं आरबीसी की कमी होना। ये जो रोग होता है, ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एक तो होता है B6 की कमी से, एक होता है B9 की कमी से, एक होता है B12 की कमी से, और एक ऐसा तत्व होता है उस तत्व की कमी से भी होता है। एक होता है तत्व जिस तत्व की कमी से भी हमें एनीमिया रोग जो होता है वो देखने को मिलता है, और वो तत्व कौन सा होता है? लोहा होता है। इस लोहे की कमी से यदि हमारे शरीर में लोहे तत्व कम हो जाता है तो एनीमिया डिजीज हमें देखने को मिलती है। तो इन सभी के बारे में आप जान पाए होंगे। तो अब देखो, लोहे युक्त, क्योंकि जो लोहा होता है ये लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रोटीन का प्रकार होता है जो क्या करता है, इसमें वर्णक होता है, एक तो हीम और एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन, ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ग्लोबिन तो यह प्रोटीन का प्रकार है, जबकि जो लोहा होता है, ये लोहा जो होता है हमारे ब्लड को रंग देने का काम करता है। तो ब्लड को रंग देने का काम या तो आप बता सकते हैं क्या, हीमोग्लोबिन प्रोटीन देने का काम करता है, और आरबीसी का जो रंग लाल होता है वो भी किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो लोहे युक्त विटामिन यानी कि ऐसा विटामिन जिसकी कमी से एनीमिया डिजीज होती है वो हम यहां से चुन सकते थे। तो एनीमिया डिजीज हमें देखने को मिलती है B9 की कमी से, और B9 का रासायनिक नाम भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। कौन सा होता है? फोलिक अम्ल होता है। तो यहां से हम सही जवाब बताते कि लोहे युक्त विटामिन कौन सा है, विटामिन बी, यहां बी ऑप्शन होता है जिसमें B9 लिखा हुआ है। सही जवाब आप जान ही पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है, कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है? कोबाल्ट युक्त विटामिन हमें यहां से बताना था। तो देखो, इतना इजी क्वेश्चन, पीछे के पार्टों में भी हमने इससे जुड़ी हुई बातों को डिस्कस किया था कि कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा होता है। तो कौन सा होता है? जो विटामिन जो B12 होता है, इस B12 की सक्रियता के लिए इस विटामिन B12 को कोबाल्ट धातु की आवश्यकता होती है। यदि आपको इसे पूछा जाए कि कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में उपस्थित होता है तो आप बता सकते हैं कौन से में, विटामिन B12 में प्रेजेंट रहता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? वही बात पूछा जो हमने, जो देखो मैं आपको वापस दिखाता हूं वही क्वेश्चन, आप भूल गए होंगे शायद। और यदि आप आज ही ज्वाइन हुए हो हमारे चैनल के साथ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, यदि हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और यहां जो कोने में आपको एक बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को भी प्रेस करें। आगामी आने वाले दिनों में जितने भी वीडियो आने वाले हैं उन वीडियो का सर्वप्रथम आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसलिए आप उस बेल आइकन को भी प्रेस करें। टॉपिक से रिलेटिव दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जा सकते हैं या हमारे को आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो हेल्पलाइन है उस हेल्पलाइन का नंबर भी दिया गया है, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो वहां किसी भी माध्यम से आपको नोट्स प्राप्त करने हो तो वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, रोजाना टेलीग्राम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज करवाता हूं, और जो इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ होती है वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं हम, देखो क्वेश्चन को, मैं पहले तो उस क्वेश्चन को दिखाता हूं जो हमने कुछ ही समय पहले डिस्कस किया था, वो भी इसी से रिलेटिव था। देखो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ें आप दोबारा से, नाइट्रोजन युक्त विटामिन कौन सा होता है? तो हमने इसका जवाब बताया था कि B3 और B6 जो विटामिन होते हैं इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखें, देखें निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? तो उस क्वेश्चन का तो सही जवाब था हमारे पास क्या, B3 और B6, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में मिल पा रहा था। अब देखो B3 और B6 अब हमारे पास ऑप्शन में नहीं है,
तो अब हमारा सही जवाब यहां से क्या होता, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसका जवाब तो आपको मिल ही गया होगा कि B3 और B6 विटामिन में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन देखो यहां से हमारा सही जवाब होता बी ऑप्शन। क्यों होता? क्योंकि B3 और जो B6 जो विटामिन होते हैं वो बी के ही तो प्रकार होते हैं। तो हम इसका सही जवाब अब यहां से बी यहां से सही जवाब बताते हैं, जब ये SSC की 2016 की एग्जाम में यहां से पूछा गया था। तो देखो आपको इन बातों को रिलेट करना भी आना चाहिए कि हमारे पास यहां से सही जवाब क्या होगा। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ सभी वीडियोस में बना है, विटामिन के जो प्रत्येक टॉपिक में बना हुआ है, तो सभी क्वेश्चनों को भी वो जान पाया होगा, और वो जान पाया होगा कि विटामिन के टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तभी आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप सभी वीडियोस में 1x1 करके देखें, और रोजाना रात 10 बजे एक नई ऊर्जा के साथ आप तैयार रहें हमारी क्लास को ज्वाइन करने के लिए। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से रिलेटिव अपनी स्कोरिंग को बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ रोजाना 10 बजे क्लास में जुड़ जाया किया करो। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की कमी स्कर्वी का कारण बनती है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है, उस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हमें देखने को मिलता है। ये देखो रेलवे की एग्जाम में यहां 2019 में जो जेई के पेपर लगे थे उनमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। तो अभी तक आप मेरे साथ लेक्चर में जुड़े हुए होंगे तो आप जान ही पाए होंगे कि स्कर्वी डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है। तो वो रोग होता है कौन सा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है कौन सा, स्कर्वी। चलिए तो ऑप्शनों को भी मैं आपको दोबारा से यहां से डिस्कस करवाता हूं। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है ना वो होता है रतौंधी, जिसे हम रात्रि अंधापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रात्रि अंधापन भी कहते हैं। और देखो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है ना वो अलग अलग हो रहे थे। देखो एक तो बच्चों में हो रहा था, बच्चों में तो जो रोग हो रहा था ना जिसे हम कह रहे थे क्या, रिकेट्स रोग कह रहे थे, और बड़ों में जो रोग हो रहा था ना जिसे ऑस्टियो मलेशिया या ऑस्टियो पोरोसिस कह रहे थे, ऑस्टियो मलेशिया या ऑस्टियो पोरोसिस। और आप मेरे को यह बताएं कि विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब छापें कि विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं जिसमें हड्डियों की स्टडी की जाती है। जो स्टूडेंट विज्ञान की शाखाओं के टॉपिक में बना हुआ था मेरे साथ प्रत्येक पार्ट में, वो तो देखो कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख पा रहा है कि विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें हड्डियों की स्टडी करते हैं। तो वो कौन सी होती है? ऑस्टियोलॉजी होती है। ध्यान रखना इस बात का, परीक्षाओं में पूछा जाता है इस बात को कि विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें हम हड्डियों की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। और देखो विटामिन जो के लिखा हुआ है, इस विटामिन के की कमी से होने वाला जो रोग होता है ना उस रोग को कहते हैं रक्त का थक्का देरी से बनना, रक्त का थक्का देरी से बनना, देरी से बनना। क्वेश्चन में हमें यहां से पूछा था स्कर्वी के बारे में, तो हमारा सही जवाब होता विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग होता है ना वो होता है स्कर्वी। दांत या जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लड का स्राव होना स्कर्वी कहलाता है। और विटामिन जो सी होता है इसका रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल होता है, और विटामिन सी का सर्वाधिक मात्रा में जो स्रोत होता है जिसमें विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है वो होता है आंवला, हरी मिर्च या आप बता सकते हैं खट्टे फल। चलिए तो 64 को डिस्कस करते हैं यहां से। 64 का क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर में धूप से विटामिन खालिस्तान का निर्माण होता है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो धूप से प्राप्त होता है। लेक्चर में शुरू से मेरे साथ बने हुए होंगे तो आप जान ही पाए होंगे कि धूप से कौन सा विटामिन मिलता है। सीपीओ की एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो विटामिन जो डी होता है, इस विटामिन डी का उत्पादन हमारे शरीर में कहां होता है, कहां संश्लेषण होता है, त्वचा पे होता है, और त्वचा पे भी किसके माध्यम से होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश त्वचा के संपर्क में आता है
तो त्वचा पे पाई जाने वाली जो कोलेस्ट्रॉल या इर्गेस्ट्रॉल जो होते हैं उसकी सहायता से विटामिन डी का हमारे शरीर में संश्लेषण होने लगता है। और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन होता है जो हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। अब देखो इसको नाम से ही आप यहां से ध्यान रखना, कैल्शियम शब्द आ रहा है कैल्शियम, तो विटामिन जो डी होता है ना इसका कार्य होता है हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना। और कैल्शियम किसके लिए उपयोगी होता है? हमारी हड्डियों के लिए उपयोगी होता है। और जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी या विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारे हड्डियों में डिजीज पैदा होने लगती है, जो बच्चों में तो रिकेट्स कहलाता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। सही जवाब यहां से कौन सा होता? धूप से विटामिन खालिस्तान का निर्माण होता है। तो कौन से विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। तो चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जितना बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना वो उतना ही इजी होता है। और ये देखो एनटीपीसी के पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मॉडरेट क्वेश्चन है। दोबारा आप आगामी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें भी आप बैठने वाले हो, वो एसएससी जीडी हो सकती है, वो आपके पास दिल्ली पुलिस हो सकती है, वो राजस्थान पुलिस हो सकती है, आपके पास रेलवे ग्रुप डी हो सकती है, एनटीपीसी का सीबीटी 2 पेपर हो सकता है, पटवार हो सकता है, किसी भी पेपर में आप बैठने वाले हो वहां ये इसी प्रकार के आपको विटामिनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को सही से देखें, प्रत्येक पार्ट में आप मेरे साथ प्रत्येक प्रश्न पे आप अपना टाइम दें, और अपना जो नोटबुक है उस नोटबुक में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर से निकल के आता है उसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास दो कथन दिए हुए, कथन ए दिया हुआ है और उसका कारण आर दिया हुआ है। हमें चुनना था कि कौन सा यहां सही है और कौन सा गलत है। तो जो अभी कथन हमारे पास ए है उसमें तो हमें दिया हुआ है क्या कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है। तो जो बेरी बेरी जो रोग होता है ये विषाणु जनित रोग थोड़ी होता है। बेरी बेरी रोग तो जो होता है ना वो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है। तो ए तो हमारा यहां से क्या होता? गलत होता। और दोस्तों आपको बता दूं, जो जितनी भी डिजीज होती है वो वायरस जनित होती है, जीवाणु जनित जो भी होगी, उन सभी के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत जल्द ही आपको पढ़ाने वाला हूं, बशर्ते आप रोजाना 10 बजे मेरे साथ क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ जुड़ जाइएगा। और आगे आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम यहां से जानने वाले हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिकों को हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चूके नहीं, रोजाना 10 बजे मेरी क्लास में आप जुड़ जाया किया करो। और टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से आप सभी टॉपिकों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए तो ये तो यहां से गलत होता क्योंकि बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। और यहां जो कारण आर दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है क्या कि विटामिन की कमी बीमारियों के कारण होती है। सही है कि विटामिन की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो बीमारियों का कारण बनती है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ई जो विटामिन की कमी हो जाएगी तो जनन क्षमता में कमी हो जाएगी। विटामिन जो आपके पास के होगा जिससे रक्त का थक्का नहीं बनेगा या देरी से बनेगा। और विटामिन जो बी होगा उससे बेरी बेरी डिजीज हमें देखने को मिलती है। तो कोई सा भी विटामिन हो यदि उसके हमारे शरीर में यदि कमी हो जाती है तो बीमारियों का कारण बनती है। तो देखो यहां आर जो है ना वो आर तो यहां सही है लेकिन एक कथन यहां गलत है। तो क्या हमारा ए सही जवाब होता? ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हाँ हमारा ए ऑप्शन ही यहां से सही जवाब होता कि जो 65 नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए तो गलत है लेकिन आर यहां से क्या है? सही है। तो सही जवाब आपको जान ही पाए होंगे। चलिए तो 66 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो रेलवे के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। जो खट्टे जो फल होते हैं इन खट्टे फलों में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो आप जान पाए होंगे मेरे साथ लेक्चर में शुरू से जुड़े हुए होंगे तो कि जो खट्टे जो फल होते हैं इन खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। और एस्कोर्बिक अम्ल या विटामिन सी भी सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है और हरी मिर्च में पाया जाता है।
हरी मिर्च में पाया जाता है। आपको कहीं लिखने की आवश्यकता हो तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके नाम आप यहां मेंशन कर सकते हैं। ऑप्शनों में हमें यहां से बताना था कि विटामिन खट्टे फलों में किसकी मात्रा पाई जाती है, तो विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। सही जवाब हमारा डी ऑप्शन होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन को यहां से देखते हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से देखो क्या होता है। तो विटामिन के की कमी से जो रोग होता है ना, वो रक्त का थक्का या तो नहीं बनता है, या बनता भी है ना तो देरी से बनता है। औसतन यदि सामान्य व्यक्ति में हम देखें कि रक्त का थक्का कितने समय में बनता है, लगभग 5 से 8 मिनट के दौरान बन जाता है। और विटामिन के जो होता है ये हमारे शरीर में काम करता है, रक्त के थक्के को बनाने का काम करता है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता ए होता कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन? विटामिन के सहायक होता है। और रक्त में पाए जाने वाले प्रोथोम्बिन प्रोटीन, प्रोथोम्बिन दो प्रोटीन होते हैं जिनका एक का तो नाम है प्रोथोम्बिन और एक का नाम है फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन ये दो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। प्रोटीन के बारे में पूछे तो इन दोनों प्रोटीनों के बारे में बता सकते हैं। विटामिन्स के बारे में पूछे तो विटामिन का विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। और ब्लड में पाई जाने वाली ऐसी कौन सी कोशिका होती है जो रक्त का थक्का बनाती है, तो वो कोशिका होती है कौन सी, बिंबाणु कोशिका होती है जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। जो भी आपको पूछा जाए वो आप यहां से बता सकते हैं। यदि कोशिका के बारे में पूछे तो बिंबाणु या प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाती है। प्रोटीन के बारे में यदि पूछा जाए तो प्रोथोम्बिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होते हैं रक्त का थक्का बनाते हैं। और विटामिन्स के बारे में पूछा जाए तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और दोस्तों जो आपके पास जो रक्त का थक्का जो बनता है, वो रक्त का थक्का बनता है लगभग 5 से 8 मिनट के दौरान बनता है। और यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो लगभग इसको बनने में समय लगता है 25 मिनट के दौरान आसपास उसके समय लगता है। चलिए तो आप यहां से सही जवाब बता ही पाए होंगे। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन B1 को खालिस्तान कहा जाता है। जेई के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन जो हमारे पास विटामिन जो B1 होता है इसको क्या कहते हैं। ऑप्शनों में देखिए देखिए थायमिन, तो थायमिन जो रासायनिक नाम होता है ना वो B1 का रासायनिक नाम होता है। एस्कोर्बिक जो रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का होता है। बायोटिन जो रासायनिक नाम होता है B7 का रासायनिक नाम होता है। नियासिन या निकोटिनिक ये B3 का रासायनिक नाम होता है। तो थायमिन B1 को क्या कहते हैं, हम थायमिन कहते हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब क्या होता, ए हमारा यहां से सही जवाब होगा। तो देखो ये रेलवे के एग्जाम में मॉडरेट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। आगामी रेलवे के पेपर लगने वाले हैं, जैसे CBT 2 लगने वाली है, NTPC ग्रुप डी का पेपर भी लगने वाला है, तो वहां विटामिन के टॉपिक से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप मेरे प्रत्येक पार्ट में बने रहते हैं तो विटामिन का कोई सा भी क्वेश्चन आपको किसी भी परीक्षा में पूछा जाए वो आपका गलत नहीं होने वाला है। पिछले 3-4 साल में जो मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उनमें कभी विटामिन के टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो आप इनको सभी बातों को आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे यदि आप मेरे साथ विटामिन के सभी टॉपिकों में बने रहते हैं। तो यहां से सही जवाब आप जान ही पाए होंगे। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। ये देखो 2018 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है। देखो होने को तो सभी विटामिन गर्म करने पर नष्ट होते हैं, लेकिन गर्म करने पर भी सबसे जो पहले नष्ट होता है, सर्वप्रथम जो गर्म करने पर नष्ट होता है ना, वो विटामिन सी होता है। लेकिन अब हमारे को विटामिन सी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो किसी भी पर्सन का जवाब आपके पास कोई सा भी विटामिन बनता है तो उस विटामिन का नाम ना देकर उसका रासायनिक नाम भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है। सर्वप्रथम जो गर्म करने पर जो विटामिन नष्ट होता है वो विटामिन कौन सा नष्ट होता है, सी विटामिन नष्ट होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है। तो सही जवाब हमारा यहां से बी ऑप्शन होता, राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम होता है। टोकोफेरोल जो होता है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। थायमिन जो होता है वो B1 या विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। तो सही जवाब हमारा 69 का क्या होता कि एस्कोर्बिक जो अम्ल होता है, ये एस्कोर्बिक अम्ल गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला विटामिन होता है, जिसे विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ ही चुका है और यहां देखो आपको दिया गया है कि सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है जब जुखाम हो जाती है। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात और आप यहां से ध्यान रखें कि जुखाम जो होती है ना वो राइनो वायरस के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राइनो वायरस के द्वारा होता है, राइनो वायरस के द्वारा होने को मिलती है। तो यहां से क्वेश्चन में पूछा कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो जुखाम के इलाज में इलाज के दौरान उसका हम उपयोग करते हैं। तो जुखाम के इलाज के दौरान जिस विटामिन का हम उपयोग करते हैं वो होता है हमारा कौन सा? विटामिन सी होता है। कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। सही जवाब हमारा यहां से सी ऑप्शन होता। आप जान ही पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए तो 71 नंबर का क्वेश्चन लाता हूं स्क्रीन पे और प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ ही चुका है। मॉडरेट क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम में 2019 में यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे कि निम्न में से कौन सा विटामिन खालिस्तान की कमी के कारण होता है? ऐसा कौन सा कारण है जो विटामिन का कारण बनता है? तो देखो ए ऑप्शन को नोट करते हैं। तो ए ऑप्शन में ही हमारे पास लिखा हुआ है कि रक्त के थक्के की जमने में विफलता, जो रक्त का जो क्लोट बनता है, जो रक्त का जो थक्का बनता है, वो रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से बनता है। यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन है यही हमारा सही जवाब होता। क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा विटामिन खालिस्तान की कमी के कारण होता है, कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो हमें यहां से ऑप्शन में भरना था उस खालिस्तान में। तो रक्त का थक्का जो होता है ना वो विटामिन की कमी से ही होता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है यदि ऐसा भी यदि आपसे पूछा जाए ना, तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। और कौन से प्रोटीन की कमी से होता है? फाइब्रोनोजन और प्रोथोम्बिन। कौन सी कोशिका की कमी से होता है? बिंबाणु या प्लेटलेट्स की कमी से होता है। तो रक्त के थक्के से जुड़ी हुई बातों को भी आप जान पाए होंगे। पीछे की क्वेश्चन में भी मैंने आपको डिस्कस करवाया था। जो स्टूडेंट मेरे साथ कंटिन्यू क्लास में जुड़ा हुआ है वो तो इस बात को सही तरीके से उसके जहन में उतर चुकी होगी कि विटामिन के की कमी से कौन कौन सी रिलेटिव बातें होती हैं। प्रोटीन के बारे में पूछे तो फाइब्रोनोजन और प्रोथोम्बिन होता है। यदि कोशिका के बारे में पूछे तो बिंबाणु कोशिका होती है जो ब्लड में पाई जाती है, जिसे प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। और यदि आपको विटामिन के बारे में पूछा जाए तो विटामिन कौन सा होता है? के विटामिन होता है जो रक्त से रिलेट करता है। चलिए तो 72 नंबर का क्वेश्चन है, बेरी बेरी किसकी वजह से उत्पन्न होता है? यह भी देखो रेलवे की एग्जाम में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिला था कि बेरी बेरी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। अब तक आप मेरे साथ क्लास में कंटिन्यू जुड़े हुए होंगे तो आप जान ही पाए होंगे कि बेरी बेरी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से होने वाली जो रोग होता है ना उस रोग को हम कहते हैं क्या? बेरी बेरी रोग कहते हैं। तो हमारा सही जवाब यहां से क्या होता है? ए ऑप्शन को नोट करते हैं। विटामिन B1 की अधिकता नहीं, अधिकता से नहीं होता है, कमी से होने वाली डिजीज होती है। तो बी ऑप्शन में देर का है विटामिन B1 की कमी से। तो 72 का यहां से सही जवाब होता हमारा क्या? यहां से बी, यहां से सही जवाब होता। आप ऑप्शनों को भी आप कई बार जल्दबाजी में आप गलत पढ़ते हो। तो देखो कई स्टूडेंट तो इसका सही जवाब ए बता के ही पार हो रहे थे। तो आपको थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सही पेशेंस से पढ़िएगा। हम यहाँ प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। ऑप्शनों को पढ़ना आना चाहिए कि हमें ऑप्शनों को किस प्रकार पढ़ना है। तो यहां से हमारा सही जवाब होगा, देखो बी, यहां से सही जवाब होगा कि विटामिन B1 की कमी से होता है, अधिकता से नहीं होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का कि विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। विटामिन जो डी होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? एक तो सूर्य का प्रकाश होता है। यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तो मैंने आपको बताया है एक तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, इस सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। और एक होता है मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल, इस मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। और मछली के यकृत का तेल भी देखो किस में पाया जाता है, कौन कौन से विटामिन इसमें पाए जाते हैं? तो विटामिन देखो दो होते हैं, एक तो विटामिन ए होता है मछली के यकृत के तेल में और एक होता है विटामिन डी। लेकिन विटामिन जो डी होता है ना वो मछली के यकृत के तेल में सर्वाधिक पाया जाता है, बजाय किसके? विटामिन ए के पाया। तो विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है। बिनोला कोटन सीड का तेल होता है? नहीं। जैतून का तेल? नहीं। कोड लीवर तेल या मछली का जो तेल होता है इस मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। यहां से हमारा सही जवाब होता कि विटामिन डी देखो मछली के यकृत के तेल में भी पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है।
लेकिन मछली का जो यकृत का जो तेल होता है, इस मछली के यकृत के तेल में ए और डी पाए जाने वाले विटामिन होते हैं, लेकिन डी यहां से सर्वाधिक पाया जाता है। ये देखो राजस्थान पुलिस 2018 में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि मछली की यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन डी पाया जाता है और ए पाया जाता है, दोनों में कोई सा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है या दोनों आपको एक साथ मिल सकते हैं। तो यदि दोनों आपको एक साथ मिले या अलग अलग ऑप्शन में मिले तब आप इसका सही जवाब आपको क्या बताना है, तो आप जान ही पाए होंगे सर्वाधिक तो पाया जाता है विटामिन डी, लेकिन कम पाया जाता है क्या ए विटामिन भी उसमें पाया जाता है। चलिए तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आगे आने वाला है, उस क्वेश्चन को मैं आपको सही तरीके से बताने वाला हूं। अब देखो यही आ गया 74 नंबर का क्वेश्चन है कि मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है। रेलवे के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ये परीक्षा के आंकड़े ही दिए गए हैं आपको यहां से। तो देखो विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों ही विटामिन जो होते हैं वो मछली की यकृत के तेल में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन डी क्या होता है सर्वाधिक होता है। तो अब हमारा यहां से क्या सही जवाब होता है विटामिन ए, और बी ऑप्शन में लिख रखा है दोनों विटामिन ए और विटामिन डी। तो अब हमारा यहां से सही जवाब होता बी होता कि विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही विटामिन पाए जाते हैं मछली की यकृत के तेल में। आगामी यदि एग्जाम में यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उम्मीद करता हूं आप सही जवाब बता पाओगे। चलिए तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 75 कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, यानी कि जो रक्त का जो थक्का होता है ये रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ऐसा कौन सा विटामिन होगा। चलिए तो फटाक से बताइए, लोको पायलट के पेपर में यहां से क्वेश्चन देखने को मिला था लास्ट ईयर 2018 में, जो लोको पायलट के पेपर लगे थे उन्हीं में से एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो वो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन जो के होता है। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का या तो देरी से बनता है या नहीं बन पाता है, जिससे ब्लड का अधिक स्राव हो जाता है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता 75 का सी, हमारा यहां से सही जवाब होगा। यदि लेक्चर में आप मेरे साथ सभी क्वेश्चनों पे बने हुए थे तो आप बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाया हूंगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप भी समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप उस पीडीएफ के लिंक के द्वारा भी आप हमारा जो सामान्य विज्ञान का दिया हुआ जो कंटेंट है उस कंटेंट को आप एक ही पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। लगभग उसमें 300 प्लस आपके पास पेज मिलने वाले हैं और 3500 प्लस उसमें क्वेश्चन आपको मेंशन किए गए हैं। सभी क्वेश्चन मॉडरेट हैं और जिससे कि आपको यह भी पता चल सके कि आप इस दौर में परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस सीरीज के अगले वीडियो में मैं फिर से आपको 10 बजे मुलाकात करने वाला हूं आपसे। तब तक के लिए आप पीछे वाले वीडियोस को आप दोबारा से रिवाइज करके देखें। दोस्तों धन्यवाद।